नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कल्पक और आप देख रहे हैं कल्पक डॉग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसा कि आपने थंबनेल भी देख लिया होगा कि अपनी गाड़ी के व्हील्स को लॉक चोरी होने से कैसे बचाएं। तो आपने पहले भी देखा होगा कि जो चोर होते हैं वो गाड़ी के व्हील्स को चोरी कर ले जाते हैं चारों के चारों। तो अभी दिल्ली में कैसा आया, आपने दोनों गाड़ियों का फ़ोटो भी आपको दिख रहा होगा, किया सेल्टोस हुंडई क्रेटा, दोनों ब्रांड न्यू गाड़ियाँ थी नई, लेकिन चोर उनके चारों मतलब आठों व्हील्स चोरी करके ले गए। तो और ईंटों पर चोरी हुए, ईंटों पर खड़ी कर जाते हैं उनको। और आप नोटिस करेंगे इन दोनों गाड़ियों का जो नंबर है वो है DL4CAZ। इसका मतलब दोनों गाड़ियाँ साथ साथ की थी, ब्रांड न्यू थी बिल्कुल, थोड़ी ज़्यादा पुरानी भी नहीं थी, लेकिन इनके चारों व्हील चोरी हो गए। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे कि हम अपनी गाड़ी के व्हील्स को चोरी होने से कैसे बचा सकते हैं, इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टिप्स एंड ट्रिक है वो ये है कि ये जो व्हील्स होते हैं वो चारों ही बिकते हैं। कभी मतलब ऐसा नहीं है कि एक बिक जाए या दो बिक जाए, ये चारों ही व्हील्स बिकेंगे। इसलिए सबसे जो बात है वो हमें ध्यान में पहले यही रखनी है। तो इसकी जो मतलब चारों बिकेंगे, तो इसका हमें एक उपाय जो हमारे पास है वो ये है कि जब भी जैसे आप गाड़ी रोड साइड खड़ी करते हैं रोड किनारे, तो वहाँ पर चोरी होने का इसका ज़्यादा डर रहता है। तो जैसे दूसरी गाड़ी खड़ी है तो उससे आप बिल्कुल गाड़ी को अपनी को सटा के खड़ी करें, या मतलब इतनी जगह ना हो, क्योंकि जो चोर होते हैं ये जो हमारी जो टूल किट में जैक आता है, इस वाले जैक से चोरी जो ये वाला जैक चोरी यूज नहीं करते हैं। जो पंचर वाले लोग आपने देखा हो वो यूज करते हैं बड़ा वाला जैक, उसमें काफ़ी बड़ा हैंडल भी होता है जिससे वो चलता है, तो उसके लिए काफ़ी स्पेस चाहिए होता है। तो जब हम उसको चोर को घुसने के लिए और जैक लगाने के लिए उतना स्पेस ही नहीं देंगे एक साइड से, तो वो गाड़ी के व्हील खोल ही नहीं पाएगा। और दो खोलने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि दो व्हील कभी बिकते नहीं है। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम इस रोड साइड गाड़ी खड़ी करें तो दूसरी गाड़ी से अपनी गाड़ी को इतना चिपकाना है, बिल्कुल इतनी जगह ना छोड़ें उसमें कि उसमें चोर घुस पाए या उसमें जैक लगा पाए। तो ये हमारा हो गया एक पहला टिप। और जो दूसरा टिप है वो ये है कि जब भी हम अपने जैसे रोड साइड गाड़ी जैसे उससे गाड़ी चिपकानी या दीवार है तो दीवार से चिपका दी, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि दूसरी गाड़ी नहीं है आपकी गाड़ी अकेली खड़ी है, तो उसका एक टिप ये है कि अपनी गाड़ी जो स्टेयरिंग होता है उसको फुल काट दें, चाहे कौन सी साइड काटे फुल काटें। तो फुल स्टेयरिंग काटने से क्या होता है कि उसके व्हील खुलने में बहुत परेशान, व्हील खुल ही नहीं सकता यदि आपकी गाड़ी की स्टेयरिंग एक साइड को फुल कटी हुई है, तो व्हील खुलेगा ही नहीं किसी की ऊपर, चोर उसको खुल नहीं पाएगा। तो इसके लिए आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है, जब भी आप अपनी गाड़ी रोड साइड खड़ी करें तो अपनी उसका व्हील स्टेयरिंग फुल काट दें, इसलिए इससे जो चोर होगा उसमें जैक लगाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, वो कभी उसको खोल ही नहीं पाएगा। और दूसरी कि आप अपनी गाड़ी को सटा खड़ी करें ताकि दूसरा चोर उसमें वो उसे चोरी ना कर पाए। और अब तो ऐसे मतलब सेंसर्स आ रहे हैं उसमें, तो जो टायरों में भी लग जाते हैं जिसे आप अपनी गाड़ी में लगवा सकते हैं, जिससे होगा कोई भी उसे थोड़े भी कुछ करता है तो तुरंत उसके सेंसर आवाज करने लगते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए अरे आपने वीडियो देख लिया तो अब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की कुछ आगे वीडियो देखने। और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके बताएं जिसका आपको रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू।